जलपाईगुड़ी तिस्ता नदी संलग्न इलाके में एक साथ 70 से अधिक हाथियों ने बोला हमला। दहशत में लोग, स्थिति पर नजर रख रहे वनकर्मी। जलपाईगुड़ी तिस्ता संलग्न के निवासियों का खतरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। एक तरफ भारी बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा, तो दूसरी तरफ हाथी का आतंक। भारी बारिश के बीच गुरुवार की रात 70 से अधिक हाथियों का एक दल बैकुंठपुर के जंगल से तिस्ता संलग्न इलाके में घुसा है, जिससे इलाके के लोग दहशत में है। मालूम हो कि हाथियों का दल तिस्ता इलाके में रुकने के बाद शुक्रवार सुबह जलपाईगुड़ी तिस्ता नदी संलग्न कालियागंज मॉडल पारा महतोपारा पहाड़पुर इलाके में घुस गया है। हाथियों के हमले से खेतों को नुकसान पहुंचा है, पूरे इलाके में दहशत है। आज सुबह हाथियों का झुंड छोटे छोटे समूहों में बट जाने से वनकर्मियों को हाथियों को वापस जंगल भेजने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बैकुंठपुर गोरुमारा जलपाईगुड़ी वन विभाग के कर्मचारी मौके पर मौजूद है। हाथियों के झुंड ने इलाके से निकलकर अब तिस्ता संलग्न इलाके में शरण ली है। लोगों को खतरे से बचने के लिए सचेत करने के साथ ही वनकर्मी हाथियों के दल पर नजर रख रहे हैं। এটা তো দেখেন হাতি যে দুজনে ডিভিশনে ডিএফএ যা মেসেজ করেছিল আমাদের ডিএফএ সাইডকে কালবগির ডিভিশন সাইডকে, এবং সাইড জানালো কি 70টা প্লাস হাতি এদিকে পাঁচটা দিকে মুখ করছে, ভেঙে পাড়া দিকে মুখ করছে। তারপরে আমরা অ্যাকশন নিলাম, সঙ্গে সঙ্গে আমরা গরুমারা ডিভিশনকে জানালাম। সবাই মিলে মাল স্কোয়াড আছে, এখানে রামসা স্কোয়াড আছে, মাটাগুড়ি রেঞ্জ আছে, এনটিপি রেঞ্জ জলপাইগুড়ি ডিভিশনে আমরা সবাই মিলে সামনে যাচ্ছে, তারপরে মোটামুটি সবাই মিলে আমরা দেখি আর্থিক পাঠাই।